ओम नमः शिवाय। सावन मास कृष्ण पक्ष शनिवार सप्तमी तिथि दिन में 12:08 तक चलती रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आज भी दिन में 3:05 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अच्छे विचारों वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, बुद्धिमान परंतु पानी से डरने वाले तथा कूटनीतिक स्वभाव वाले भी होते हैं। ऐसे जातक साहसी, प्रेरणादायक, मजबूत शरीर वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, चित्रकारिता एवं फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले, अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में सक्षम और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा मेष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज बृहस्पति और चंद्रमा दोनों सम सप्तक योग में एक दूसरे के सामने चल रहे हैं और उच्च के मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि भी बन रही है। यह सार्थक प्रभाव मेष राशि वाले जातकों पर विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा। दोपहर तक चंद्रमा आज भी केतु के नक्षत्र में चलते रहेंगे, तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अतः प्रत्येक जातकों पर केतु और शुक्र के नक्षत्रों का मिला जुला प्रभाव पूरे दिन कायम रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखी और संतोषप्रद मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएँ लाभदायक रहेंगी। सरकारी विभाग से सहयोग और लाभ की उम्मीद बनती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए निजी निवेश की संभावना बनती है और रुके हुए काम संपन्न होंगे। नई कार्ययोजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बढ़ेगी और गज केसरी योग का लाभ मिलेगा। कुछ जरूरी मामलों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। साथ ही कुछ आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं में रुचि बढ़ेगी और संबंधित मामलों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी की पुनरावृत्ति संभावित है और उसमें सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों को लाभ संभावित है। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और आपका ऊर्जा स्तर बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी, मगर सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में रुकावट और अड़चनों की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान बने रहेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए महिला, मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है।
मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर बाद का समय उन्नतिकारक होगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलते रहेंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम के साथ खर्च भी संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा छठवें चल रहे हैं, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी के साथ मानसिक अवस्था प्रभावित रहेगी। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलने से कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी संभावित है। हालांकि शनि के कारण मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कार्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं में धीमी गति का अंदेशा बनता है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और संबंधित कामों में प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी, मगर कुछ कामों में रुकावट के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और आर्थिक रूप से जोखिम वाले काम उचित नहीं होंगे। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।